सोलन में वनमंत्री सिरमौर जाते समय कुछ देर के लिए सोलन में रुके। उनका सोलन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर वनमंत्री ने कसौली गोलीकांड को लेकर शोक व्यक्त किया और इस गोलीकांड का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उदासहीन कार्यप्रणाली की वजह से इस तरह की घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश की जनता के लिए चिंतित हैं और उनका पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। सोलन में मीडिया से बातचीत के दौरान वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि आज न्यायालय अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई अमल में ला रहा है, लेकिन जब ये मामला न्यायालय में पहुंचा था तब कांग्रेस सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से आज हिमाचल में न्यायालय के आदेश अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए समूहों में ग्रुप पेट्रोलिंग की जा रही है और उन्हें हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि वन माफियाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। साथ में पड़ोसी राज्यों से मिलकर नशा माफिया और वन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार जो जनता के पक्ष की बात है, जनता के हित की बात है, उन सब बातों को मजबूती से न्यायालयों के विचाराधीन या उनके समक्ष अपना पक्ष हम रख रहे हैं। पूर्व सरकार के समय अनेक प्रकार की गलतियां उन्होंने ये की हैं कि जब इस तरह के निर्णय हो रहे थे तब जनता के पक्ष को ठीक प्रकार से न्यायालयों के समक्ष रखा नहीं। मैं तो न्यायालयों से भी निवेदन करता हूं कि फिर व्यावहारिक तौर पर उन सारी बात को विचार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने एक काम तो हमने ये किया कि ग्रुप पेट्रोलिंग हमने प्रारंभ की। अब पहले हमारे वन विभाग के कर्मचारी अकेले अकेले जाते थे, अब ग्रुप में जाते हैं। और फिर आगामी आने वाले दिनों में जो हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्सेज हैं, इन सभी फोर्सेज को जीपीएस कैमराज इत्यादि से भी इनको लैस करेंगे ताकि कम से कम उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रहे और दूसरा यह है कि जो ऐसे स्मगलर हैं उन स्मगलरों पर भी रोक लगाई जाए। जो साथ लगते हमारे प्रदेश हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और इन सब के साथ कहीं ना कहीं जॉइंट पेट्रोलिंग और जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर भी, जिसके कारण से इलीगल जो माइनिंग है वो भी, और जो वन माफिया वो भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक नशे का जो व्यापार है, तरफ के जो ऐसे जो अपराध करने वाले लोग उन पर अंकुश लगा सके।